दुखी और परेशान लोग जो हैं वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और कोई चारा ही नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से तीसरा मोर्चा बनेगा, राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी, कमेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरों को उनके किए हुए कारनामे की सजा मिलेगी। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सारी रात रोई एक मरे और वो भी पड़ोसी का। जो बात आप अब पूछ रहे हैं ये बात तो मैंने खुल करके बता दी थी और मैंने कहा है कि इसके अलावा कोई नई बात आपने पूछ ली। किस पार्टी ने क्या निर्णय लेना है इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। लोगों को ये देखना चाहिए ये जो निर्णय ले रहे हैं ये तुम्हारे हित में है या नहीं है। और जो हालात आज बनते जा रहे हैं उसके आधार पर मैं दावे से कह सकता हूँ और मैंने अभी कहा भी है कि परिस्थितियाँ बदलेंगी, मेहनतकश कमेरे वर्ग के लोगों को सरकार बनाने का अवसर मिलेगा और एक अच्छी सरकार बनेगी तो वो चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा प्रदान करेगा।